होली को लेकर जिले में शराब माफियों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान जारी है। हर दिन जिले में शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसी कड़ी में मनियारी थाना की पुलिस ने सोनबरसा गांव में छापेमारी कर 10 लाख से अधिक की शराब जब्त की। उक्त शराब की खेप को जाड़ियों में छुपाए कर रखा गया था। थानेदार अजय पासवान ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि होली को लेकर शराब स्टॉक किया गया था। इसी आधार पर दल बल के साथ रेड करने पर शराब की खेप बरामद हुई है। जांच में पता लगा कि इसे स्थानीय धंधेबाजों ने मंगवाया था। सूत्रों की माने तो इसमें से 20-25 कार्टन की सप्लाई आसपास के इलाकों में की जा चुकी थी। शेष शराब को भी सप्लाई करने की तैयारी थी, तभी पुलिस ने धावा बोल दिया। थानेदार ने बताया कि धंधेबाजों के नाम पते का सत्यापन कर FIR दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस छानबीन में पता लगा कि हरियाणा से उक्त शराब की खेप 2 दिन पूर्व स्थानीय धंधेबाजों ने मंगवाई थी। इससे आबादी से दूर सुनसान झाड़ियों में छुपाया था। इसमें से धीरे धीरे रात के अंधेरे में सप्लाई करी रही थी। मनियारी के अलावा सकरा वैशाली जिले में भी कुछ शराब के कार्टन सप्लाई की गई थी। इसी दौरान पुलिस ने मौके पर धावा बोलते हुए शराब की खेप को जब्त कर लिया। शराब जब्त कार्टन 40 बताया गया है। इससे दूसरे कार्टन में पैक किया गया था ताकि किसी को संदेह नहीं हो। यह ऐसी जगह छुपाया गया था जहां लोगों का आन जान काफी कम होता है।